But nobody knows you as good as you know yourself. To be able to select a right life partner is one of the most important decisions in the life. Values must match. ये वैसे एक सर्जन को एनेस्थेटिस्ट से शादी करना एक रैशनल चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ी होती है तो रैशनल चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी इतनी रैशनल, इतनी हिसाब से हमेशा चलती है ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसका डिसीजन लेने के अलग अलग तरीके हैं, और कौन सा बेहतर कौन सा नहीं ये कैसे बताएं। अब जैसे मैं अंधेरी राह में चल रहा हूँ, जैसे आप चल रहे हैं कि लाइफ पार्टनर अंधेरा है, अचानक बिजली कड़कड़ा जाएगी और उसके मोमेंट में, उस प्रकाश में, एक क्षण में आपको एकदम साफ हो जाएगा, दिस इज द गर्ल। तो फिर काय का रैशनल है और काय का क्या है। ऐसा भी एक तरीका हो सकता है, और हो जाए तो कौन आपको कहेगा कि नहीं 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 ऐसा मत करो। तो एक तो ये तरीका है जो प्योरली भावनिक है, लेकिन ऐसा मत समझो कि ये 100% गलत है। क्यों? जब आपको कोई पार्टनर, पोटेंशियल पार्टनर बहुत पसंद आता है तो क्यों हो जाता है ऐसे? अब थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, कोई हिरन, हिरनी किसी हिरन के साथ शादी करती है, यानी मेटिंग करती है, तो उसके लिए कौन पार्टनर चुनता है? वो चुनती है। निसर्ग के 2 billion years के हिस्ट्री में इंडिविजुअल एनिमल्स हैव बीन चूजिंग देयर ओन पार्टनर्स फॉर मेटिंग। पर्पस वॉज रिप्रोडक्शन, बेटर रिप्रोडक्शन, दैट वॉज द पर्पस। लेकिन बेटर रिप्रोडक्शन करने के लिए निसर्ग ने हर इंडिविजुअल को इतनी नेचुरल टैलेंट दी है। आफ्टरऑल निसर्ग के लिए तो सर्वाइवल और डेथ का, स्पीसीज के सर्वाइवल का इशू है, ये तो उससे बिलियन ईयर पुराना ज्ञान है, यानी वेद और उपनिषद और गीता उसके सामने अभी अभी की बात है। तो मेटिंग के लिए कौन मेरे लिए अच्छा पार्टनर है, इसका जो इंट्यूटिव ज्ञान हर इंडिविजुअल को होता है, उसके पीछे निसर्ग की 1 अरब सालों की पूंजी लगी है। आपके जीन्स में कूट कूट के वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भरा हुआ है। सो डोंट कम्प्लीटली इग्नोर इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% उसी के आधार पर चला जाना चाहिए, लेकिन उसको कम्प्लीटली इग्नोर मत करो। जैसे 3 generation पहले माँ बाप पूछते भी नहीं थे लड़के को कि तुझे किस लड़की, या लड़की को पूछते नहीं थे, वही तय करते थे और मानते थे कि जो भी हमने चुना इसके लिए सही है। अरे लेकिन उस लड़की को जो इंट्यूटिवली लगता है, उस इंट्यूशन के पीछे 1 अरब साल का पूरा नॉलेज कूट कूट के भरा है। तो नेचुरली किसी के बारे में बहुत स्ट्रांग एफिनिटी लगना, सिर्फ आकर्षण नहीं, इसलिए लव के कुछ क्राइटेरिया है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, शायद हुआ भी होगा इनका। लेकिन उसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि उसमें आपके भीतर से निसर्ग बोल रहा है, और पूरी निसर्ग एक ह्यूमन स्पीसीज छोड़ दी, और उसमें भी इंडियंस और चाइनीज ऐसे कुछ लिमिटेड छोड़ दिए, तो एवरीवेयर द मेल्स एंड फीमेल्स चूज देयर पार्टनर, और उसमें कोई डिक्टेटरशिप पेरेंट्स की चलती नहीं है। लेकिन इसके साथ में ये, इसमें भी एक, लेकिन एक थोड़ा फिसलन है कि मैं मेरे नैसर्गिक इंक्लिनेशन को देख रहा हूं या मैं सिर्फ फिजिकल आकर्षण को देख रहा हूं, तो वहां पे आदमी का जरा पैर फिसल जाता है। तो उसमें मुझे जो एफिनिटी लग रही है इस व्यक्ति के बारे में, वो कितनी रियल है, कितनी ओरिजिनल है, इज इट सुपरफिशियल अट्रैक्शन, इज इट ओनली इन्फेचुएशन। मुझे उस लड़के के बाल ही बहुत पसंद आ गए, बाल से शादी करोगे? तो नहीं, मुझे पूरी पर्सनैलिटी के बारे में क्या लगता है ये देखना चाहिए। तो कभी तो भी निर्माण में आपका होगा, हाउ टू असेस माई ओन फीलिंग्स, इज इट ट्रू लव और इज इट मियर इन्फेचुएशन।
इसको भी हमको सीखना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए, आवश्यक है। दिस इज अ वेरी नेसेसरी स्किल फॉर एवरीबडी, स्पेशली फॉर द यंगर पीपल। और कोई मैं इसमें मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपको। टू बी एबल टू सिलेक्ट अ राइट लाइफ पार्टनर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द लाइफ। उसमें पेरेंट्स की मदद तो लीजिए, लेकिन डोंट लीव इट एंटायरली टू द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, आपके लिए कैसे चुनेंगे? एग्जैक्टली, दे नो यू, दे नो यू टू लार्ज एक्सटेंट, बट नोबडी नोज यू एज गुड एज यू नो योरसेल्फ। तो एक तो ये लाइफ पार्टनर कैसे चुने। दूसरा, अगर वैसा कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिला और जो उसमें भी अगर मिलता है, तो ये तो सोच लेना चाहिए कि सिर्फ हमको एक दूसरे के साथ एक कुर्सी के सामने बैठ के जिंदगी भर सिर्फ थोड़ी करते बैठना है। तो जिंदगी में घर भी चलाना है, काम भी करना है, प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लाइफ पार्टनर चुनने में सभी डायमेंशन आते हैं, तो उसको भी मैं क्राइटेरिया लगाऊंगा। तो अब ये जो पहला इमोशनल बिजली कड़कड़ वाला मामला है, वो हिंदी फिल्म में कई बार देखा है आपने, इसलिए कोई बहुत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि उसको कंप्लीट जीरो मार्क मत दे दीजिएगा। कई बार आपके भीतर की जीन्स वो बोल रही हैं, आपके भीतर की जो नेचुरल टैलेंट है वो कह रही है कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। अब उसमें मेरी गलती हो रही है क्या? मैं सिर्फ फिजिकल आकर्षण को या किसी इन्फैचुएशन को उसको मैं प्रेम समझ ले रहा हूँ? ऐसी गलती हो सकती है, कई बार होती है। उस दृष्टि से उसको परख लेना चाहिए। आखिर तो बुद्धि और विवेक का जो उसकी कंघी है, वो हर चीज़ को लगानी चाहिए। तो ये एक तरीका हो। लेकिन आप अगर मुझे पूछेंगे कि अगर मुझे चॉइस करना है तो क्राइटेरिया क्या लगाएंगे, तो मैं, मेरी हायरार्की ऐसी है। ये सवाल मुझे कई बार पूछते हैं, इसलिए कोई मेरे लिए नया सवाल नहीं है ये। लेकिन मेरी अपनी एक हायरार्की है। अब आपको आपको वैसे ही फॉलो करने जैसा आवश्यक नहीं, लेकिन मैं मेरी अपनी हायरार्की बता रहा हूँ। मेरी हायरार्की ऐसी है कि नंबर वन, वैल्यूज मस्ट मैच। मुझे सेवा में दिलचस्पी है और मेरे पोटेंशियल पार्टनर को मटेरियल चीज़ों में, सोना चांदी और गहनों में इंटरेस्ट है, मामला नहीं जमने वाला है। तो ये तो एक उदाहरण लिया मैंने, मटेरियलिज्म के प्रति एटीट्यूड क्या है। तो वैल्यूज मस्ट मैच। वैल्यूज में कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं मेडिसिन करता हूँ, रानी गायनेकोलॉजी, ये कॉम्प्लीमेंटरी है। प्रोफेशनल इसमें कॉम्प्लीमेंटरी चलता है, अच्छा है, दो चक्के अच्छे होते हैं। वैल्यूज़ के बारे में ऐसा नहीं होता। वैल्यूज़ मस्ट मैच। सेकंड इज, अवर ड्रीम अबाउट लाइफ शुड मैच। क्योंकि आप सभी प्लस 20 है, तो अब जो आप लाइफ पार्टनर चुनेंगे, उसके ड्रीम ही अगर लाइफ के यूएस में सेटल होने के, और आपका ड्रीम सपोज दूसरा कुछ है, देहात में जाने का, क्या होगा? सो योर ड्रीम्स अबाउट लाइफ शुड मैच। थर्ड, इसको मैं थर्ड कहूँ कि सेकंड पे भी रख सकता था, लेकिन थर्ड पे मैं कहूँगा, स्वभाव जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। स्वभाव कोई मैच ही होंगे ये आवश्यक नहीं है। अब समझिए, किसी एक का स्वभाव शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो दूसरे का शॉर्ट टेम्पर्ड होना चाहिए, वाह, लॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। एक का स्वभाव अगर थोड़ा भावनिक है, रैश है, तो अच्छा है। दूसरे का स्वभाव अगर थोड़ा विवेकी है, शांत है, सोचने वाला है, तो स्वभाव में कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। ये ऐसा कोई एकदम बनाया बनाया जिग्सो पजल कहीं नहीं मिलता है। हाँ, अब फिर ऐसे निकाला, अब मेरे स्वभाव इधर इधर एक कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर नहीं चले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो क्रूशियल इश्यूज हैं, उन पे स्वभाव में कॉम्प्लीमेंट्रिटी होना आवश्यक है। मैं अगर शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैं कभी भी शॉर्ट टेम्पर्ड पार्टनर को नहीं चुनना चाहिए मुझे। प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं, उसमें मैचिंग भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। इंडिपेंडेंटली काम करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री होना अच्छा है।
अगर दोनों को मिलकर कहीं इंडिपेंडेंट काम करना है तो इट्स गुड दैट दोनों अगर प्लास्टिक सर्जन हैं तो किसका प्लास्टिक काटेंगे। तो इसलिए जोड़ी ज़्यादा पूरा थी। ऑब्स्टेट्रिशियन दो ही गायनेकोलॉजिस्ट हो गए तो कौन डिलीवरी करेगा? तो एक एनेस्थेटिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट अच्छा है, सर्जन है, एनेस्थेटिस्ट है अच्छा है। और क्या कहे मैंने, क्राइटेरिया हो गए। सो वैल्यूज, ड्रीम्स, स्वभाव, फिर उसके बाद में एक नैसर्गिक आकर्षण लगना चाहिए। उसको जीरो स्कोर नहीं देंगे, एक नैसर्गिक आकर्षण लगना चाहिए। और उसका एक क्राइटेरिया बता दूं कि आकर्षण तो आपको फट से पता चल जाएगा, सवाल ऐसा है कि उसके बारे में रिस्पेक्ट लगता है क्या, कि सिर्फ आकर्षण है। आकर्षण का जादू बहुत दिन तो नहीं टिकेगा, जब तक चीज नहीं है आकर्षण लगेगा, जब चीज की आदत हो जाती है तो आकर्षण कहाँ जाएगा? फिर रिस्पेक्ट बचता है। रिस्पेक्ट है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? इस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर लेने के मुझे तीव्र अंदर से प्रेरणा होती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल आकर्षण है, इस्तेमाल किया छोड़ दिया फेंक दिया। तो आप देखेंगे निसर्ग में वो चिड़िया चिड़िया मेटिंग करते हैं, तो कई बार निसर्ग में ऐसा होता है कि वो घोंसला अगर वो जो नर बनाता है उसके साथ चिड़िया मेटिंग करती है। चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया टेस्ट कर रही है कि ये कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो केयरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट, तो आकर्षण के साथ में ये है कि ये देख लेना चाहिए। अगर सिर्फ आकर्षण है लेकिन उसकी उस व्यक्ति की कोई जिम्मेवारी लेने की मेरी तैयारी नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं उस व्यक्ति के बारे में, तो नहीं करना चाहिए। फिर मेरा आकर्षण है सुपरफिशियल है। और लास्ट, या तो लास्ट में भी क्यों कहूँ, नहीं कह देना लास्ट कह देना चाहिए मुझे, इनकोड कह, वो ये निगेटिव नहीं है, लास्ट होना चाहिए। आपको उस पार्टनर की फैमिली को भी देखना चाहिए, नॉट इस मायने में कि वो कितना बड़ा घराना है, अमीर जमींदार है कि नहीं वगैरह वगैरह, ये देखने के लिए कि मेरे पार्टनर की जो क्या कहते हैं उसको, वो जो बढ़ा है, नर्चरिंग हुआ है, किस वातावरण में हुआ है। कुछ कुछ चीज़ मेरे ऐसे ध्यान में नहीं आएगी क्यों, मैं उसको बहुत सुपरफिशियली मिल रहा हूँ। और कई बार तो ऐसे समय जब कोर्टशिप चलती है तो चेहरा अलग दिखाया भी जाता है, बहुत फेयर एंड लवली भी लगा दिया जाता है। लेकिन फैमिली को आप देखेंगे तो फेयर एंड लवली निकाल के असली चेहरा कई बार दिख जाता है। इस फैमिली में क्या वैल्यू सिस्टम है? क्या ये फैमिली स्ट्रांगली जातिवादी है? क्या ये फैमिली बहुत मटेरियलिस्टिक है? तो मुझे थोड़ा अंदाज़ आ जाता है। क्या ये फैमिली वैल्यूज़ को महत्व देती है? क्या ये फैमिली वेल कल्चर्ड है? घर में पढ़ाई का वातावरण है? आपके जो भी क्राइटेरिया होंगे, लेकिन फैमिली को ज़रूर देखिएगा। नॉट कि फैमिली का कितना बड़ा घर है और कितनी संपत्ति है और कितनी कारें हैं और मुझे क्या मिलेगा, डोंट अप्लाई दैट क्राइटेरिया। वो कोई भी फैमिली आपको दे सकेगी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पर्सन है जिसको आप चुन रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन इस व्यक्ति की अपब्रिंगिंग कैसे वातावरण में हुई है और कैसे वैल्यू सिस्टम में हुई है, ये देखने से काफ़ी इंसाइट उस व्यक्ति में मिलती है। लेकिन इसमें एक आगाह कर दूंगा कि देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस एंड चिल्ड्रेन आर नॉट नेसेसली कार्बन कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। इसलिए ये भी आंखें खुली, ऐसा नहीं कि माँ बहुत कम पढ़ी है फिर सातवीं पढ़ी है तो ये लड़की डॉक्टर है, लेकिन नहीं, माँ सातवीं पढ़ी है तो फिर नहीं चलेगी मुझे, ये बेवकूफ़ी होगी। लेकिन फैमिली के वातावरण, कल्चर, वैल्यूज़ के फैमिली के क्या है, तो ये ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें कम से कम 50-60-70% तो आपके पोटेंशियल पार्टनर में आ ही गए, समझ लो तुम। और ये शुरू में फेयर एंड लवली होता है तब नहीं दिखाई देता है, जब विवाह के बाद कुछ समय जाता है 1-2 साल, तो फिर फेयर एंड लवली लवली और मुखौटे निकलने लगते हैं और असली व्यक्ति रिवील होने लगता है,
और तब आप ये पाते हैं कि वो फैमिली ही, वही वातावरण, वही आदतें, वही वैल्यू सिस्टम अब उगने लगी है, क्योंकि वही बीज उसके भीतर थे। तो दैट्स नॉट द सोल क्राइटेरिया, बट डू पे अटेंशन टू फैमिली, टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन बैकग्राउंड, की किस कैसा अपब्रिंगिंग हुआ है इस व्यक्ति का। उसमें ये भी ख्याल रखिएगा कि इसमें अपवाद होते हैं, इसलिए ऐसा हम नहीं मान लें कि जैसे माँ बाप है वैसे ही ये व्यक्ति होगी, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होता है। लेकिन इस व्यक्ति का अपब्रिंगिंग कौन से वातावरण में हुआ है, वैल्यू सिस्टम क्या है, कल्चर क्या है, ये व्यक्ति को समझने में फैमिली भी एक अच्छा हेल्पफुल होता है। तो हुए तो बहुत सी क्राइटेरिया मिल गए, अब तो चुनोगे किसको, ये सवाल है। अब क्राइटेरिया तो मिल गए कागज़ पे, लेकिन क्या बिजली कड़कड़ेगी क्या होगा? तो नेक्स्ट कैंप में बात करें। ठीक है, चलो।